आपके पास MI का यानी कि Redmi का कौन सा भी फ़ोन है और उसमें जो है टाइमिंग ख़राब हो गई है, टाइमिंग उसमें 24 घंटे की हो गई है और आप उसे ठीक करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको मैं यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कैसे हम टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, कैसे टाइमिंग को 12 घंटे की कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, प्लीज़ यार वीडियो को पूरा वॉच करना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। ओके, फोन सेटिंग्स में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। आपको फर्स्ट में एक ऊपर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलता है, सिंपली एक बार इस पर टिक करना है एंड यहाँ पर आपको डेट सर्च करना है, DATE डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट ही डालोगे जैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस से आ जाता है, डेट एंड टाइमिंग पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। जैसे ही टिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस फिर से आ जाता है। आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप देख पा रहे। सिंपली एक बार इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको करना क्या है, आपका इस वाले ऑप्शन पर क्लिक हो रखा होगा 24 वाले पे, ठीक है, 24 वाले पे क्लिक हो रखा होगा तो आपकी टाइमिंग यहाँ पर 24 घंटे शो कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर देख सकते हो 7:19 और जो AM था वो हट चुका है, यानी कि 24 घंटे का टाइमिंग हो चुकी है। तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर टिक करना, ना कि 12 घंटे वाले पर, नीचे वाले पर ऑटो ये बेसेट ऑन सिस्टम लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। जैसे टिक करोगे ये ऑटोमेटिक जो है आपकी जो है टाइमिंग को चेंज कर देगा, यहाँ पर 12 घंटे की टाइमिंग हो जाएगी। सो गाइस, इसी प्रकार से आप यहाँ पर 12 घंटे की टाइमिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर 12 घंटे की टाइमिंग करना सीख गए होंगे और आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी कोई भी नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।